गाइस वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने बच्चों को हम कैसे रेडी कर सकते हैं स्कूल के लिए। स्कूल एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे बच्चों की लाइफ में, और एकेडमिक्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपको किसी जॉब के लिए क्वालिफाई होना है, या फिर एक तरीके का एक डॉक्यूमेंटेशन है कि हाँ आप जो है वेल लर्नड हैं एंड आपने जो है पढ़ाई करी है एक इंस्टीट्यूट के अंदर। ऑल्दो फिलोसफिकली अगर हम बात करें तो वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है। एक्चुअली तो बच्चे की नॉलेज कितनी है, बच्चे का स्किल कितना है, उस पर डिपेंड करता है। सचिन तेंदुलकर ने 10th क्लास में स्कूल छोड़ दिया था, बट आज वर्ल्ड वाइड उनको लोग जानते हैं बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अच्छा किया है क्रिकेट के टर्म्स में। एंड क्रिकेट अकेडमिक्स का पार्ट नहीं है, बट स्टिल बैक टू द टॉपिक, क्योंकि हमें ये पैरामीटर क्रॉस करवाना है, ये एक माइलस्टोन है बच्चे का जो हमें कवर करवाना ही है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे रेडी कर सकते हैं स्कूल के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है। यहाँ पर सेपरेशन होती है पेरेंट्स की एंड बच्चे की, एंड बच्चा एक कम्प्लीटली नए एनवायरनमेंट में जाता है। वहाँ पर स्ट्रेंजर्स होते हैं, टीचर्स कम्प्लीट स्ट्रेंजर्स होते हैं बच्चे के लिए, जहाँ बच्चे को जो है उन स्ट्रेंजर्स के साथ डील कर उनके कमांड्स फॉलो करने पड़ते हैं, एंड देन उसको जो है इम्प्लाई करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है अपनी नॉलेज, एंड वहाँ से बच्चे जो है लर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा वो फर्स्ट स्टेप है जो हमें लेना है अगर अभी आपने एडमिशन नहीं करवाया है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये एनालाइज करना है कि क्या आपका बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में जाने के लिए रेडी है या स्पेशल स्कूल में जाने के लिए रेडी है। वो आप कैसे पता कर सकते हैं? यूजुअली जिन बच्चों को माइल्ड ऑटिज्म होता है या सेंसरी इश्यूज ज़्यादा नहीं होते हैं, उनके लिए आसान है मेन स्ट्रीम स्कूल में जाना। जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं वो मेन स्ट्रीम स्कूल में उतना अडेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, अलग अलग स्मेल होगी, डिफरेंट फेसेस होंगे, पूरा सेटअप डिफरेंट होगा। तो जिन बच्चों के साथ सेंसरी इशू होता है उन बच्चों के साथ जो है मेन स्ट्रीम स्कूल में कोप अप करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम स्कूल में आपको जनरली शैडो टीचर नहीं मिलेगी। शैडो टीचर कौन होती है? शैडो टीचर एक स्पेसिफिक अटेंडेंट होती है आपके बच्चे को लुक आफ्टर करने के लिए, उसकी पढ़ाई में और उसकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको हेल्प करती है। ज़्यादातर स्पेशल स्कूल्स में शैडो टीचर आपको मिलेगी, लेकिन मेन स्ट्रीम स्कूल में शैडो टीचर नहीं मिलती है। अगर आप आस्क करते हैं आई थिंक उसका प्राइस पे करना पड़ता है एंड यू गेट अ शैडो टीचर, बट वो बहुत रेयर स्कूल्स में आपको मिलेगा। यूजुअली मेन स्ट्रीम स्कूल में शैडो टीचर नहीं होती है। जो मेन स्ट्रीम स्कूल होते हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स जो होते हैं, उसमें रेशियो होता है 1:12 स्टूडेंट्स, यूजुअली यही रेशियो होता है। कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा भी होता है, बट मैक्सिमम आपको 24 बच्चों के ऊपर 2 टीचर्स मिलेंगी, 1 नैनी मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल्स में जो है सर्च किया था एंड फाइनली मैंने यही कंक्लूजन निकाला था कि एक्चुअली यही रेशियो है जो रखा जाता है कि 1:10 या 1:12। 1:1 मतलब 1 टीचर एंड 12 स्टूडेंट्स, 1 टीचर या 10 स्टूडेंट्स, 1 नैनी होती है साथ में, तो ऐसा क्लास का एनवायरनमेंट होता है। अलावा तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा मेन स्ट्रीम में कोप अप कर पाएगा या स्पेशल स्कूल में कोप अप कर पाएगा, और ये एज अ पेरेंट आपको पता होगा। जो आप काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मेन स्ट्रीम स्कूल में जाइए, अपने बच्चे को लेकर जाइए, सारे चैलेंजेस डिस्कस करिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेन स्ट्रीम स्कूल में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं हैं जो आपके बच्चे को हेल्प आउट करेंगी उसकी स्पेशल अटेंडेंस के लिए। क्योंकि आपको शैडो टीचर चाहिए होगा मोस्टली मॉडरेट या फिर सीवियर सिम्टम्स जिन बच्चों को होते हैं, या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिनको ज़्यादा है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, तो उन्हें शैडो टीचर ज़रूर चाहिए होगी। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप स्पेशल स्कूल के लिए अप्लाई करिए रादर एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जाने के। ऑल्दो आप बिल्कुल ट्रायल लीजिए मेन स्ट्रीम स्कूल में, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्रायल क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट करिए, देखिए बच्चा कैसा करता है। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है एंड उसमें तेज़ी से सुधार आ रहा है, देन नथिंग लाइक इट, आप मेन स्ट्रीम स्कूल में ही कंटिन्यू करिए। बट अननेसेसरी फोर्स मत करिए अपने बच्चे को और अपने आप को कि मैं स्पेशल स्कूल में नहीं भेजूंगी, मैं मेन स्ट्रीम में ही भेजूंगी। कोई टैबू नहीं है, कोई स्टैम्प नहीं लग रही अगर आप स्पेशल स्कूल में भेज रहे हैं। इट इज़ गुड फॉर योर चाइल्ड, आपके बच्चे के लिए ही अच्छा है कि आप उसको एक स्पेशल एनवायरनमेंट के अंदर भेज रहे हैं जहाँ पर उसके रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स फुलफिल होंगी। अगर आप मेन स्ट्रीम में भेज रहे हैं, यूजुअली माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चे या जिनको माइल्ड ट्रेट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उनके साथ मेजर प्रॉब्लम जो होगी वो माइल्ड में यही प्रॉब्लम होगी कि वो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और उतने ज़्यादा इश्यूज जो हैं दिन के अंदर, एक दिन के अंदर
उतने इश्यूज उनको नहीं आ रहे होंगे एज कम्पेयर टू मॉडरेट या सिवियर सिम्टम। अब सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो ये है, स्कूल में एडमिशन अगर आपने करवा लिया है, चाहे वो स्पेशल स्कूल है चाहे वो मेन स्ट्रीम स्कूल है, एक रूटीन फॉलो करिए। सैटरडे संडे छुट्टी होती है जनरली स्कूल्स की, अगर छुट्टी भी है तो वही रूटीन फॉलो करिए मॉर्निंग में उठाने का, एंड पूरे दिन का वही पैटर्न चलाइए। ऑब्वियसली आप स्कूल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन कौन से टाइम पर लंच होता है, कौन से टाइम आप बच्चे को उठा के रेडी करते हैं, वो पैटर्न फॉलो करिए, रूटीन को ब्रेक मत करिए। चाहे वो माइल्ड है सिवियर है या मॉडरेट है, बच्चों को रूटीन पसंद आता है, बच्चे प्रिडिक्शन के बेसिस पे जो है अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छे रहते हैं, उनका बिहेवियर जो है इंटैक्ट रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हैं। अगर आप अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है एंड वो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है। तो कोशिश करिए रूटीन फॉलो करिए, रिजिड नहीं होना रूटीन्स के लिए, लेकिन हाँ कुछ बेसिक रूटीन्स जैसे सुबह उठना, सेम टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, सेम टाइम पे खाना खाना, ये उनकी वॉशरूम जाने की हैबिट्स में भी जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बच्चे जो है पॉटी ट्रेनिंग के लिए या फिर सुसु ट्रेनिंग के लिए जो है इन हैबिट्स की वजह से भी जो है रूटीन में चलते हैं। अगर आप किसी दिन लेट खिला रहे हैं या किसी दिन आपने जो है बिल्कुल रूटीन ऑफ कर दिया, तो वो चीज़ आपको उनकी पॉटी में भी जो है दिखाई देगी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि एक रूटीन फॉलो ज़रूर करिए बेसिक चीज़ों को लेकर। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको स्कूल जाना है एंड आपको स्कूल में बात करनी है कि आप जो है पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते जो है बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक घंटे के लिए भेजेंगे या आधे घंटे के लिए भेजेंगे। जनरली स्कूल ऐसा बोलता भी है कि आपको फर्स्ट हफ्ता जो है, पहला हफ्ता जो है, आप बाहर बैठिए रिसेप्शन पे वेट करिए, बच्चा अंदर कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा वो आपको रिपोर्ट करते हैं। अगर बच्चा नहीं एडजस्ट कर पा रहा होता है तो वो आपको बोलते हैं स्कूल वाले कि आप कंटिन्यू कीजिए कुछ टाइम के लिए जब तक बच्चा सेटल नहीं हो रहा है। लेकिन ऑटिज़म के अंदर ऑब्वियसली टिपिकल बच्चे सेटल हो जाते हैं, बट ऑटिज़म के अंदर टाइम लगता है। तो आप स्कूल से ये रिक्वेस्ट करिए कि आप सिर्फ हाफ एन आवर के लिए छोड़ेंगे, ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करेंगे, एक महीना लीजिए, धीरे धीरे करके टाइम इंक्रीज़ करिए। बात ज़रूर करिए स्कूल में जाकर, कोई भी फैक्ट, कोई भी चैलेंज, कोई भी इशू अपने बच्चे का छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चे का कोई भी चैलेंज छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, रादर आप अपने बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अपने लिए करेंगे, एंड स्कूल से उतना एम्पल अमाउंट ऑफ सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको बात ज़रूर करनी है, छुपाना नहीं है, एंड फीडबैक के लिए हमेशा ओपन होकर जाइए। ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे के लिए ऐसा कह दिया, मुझे बुरा लगा, मैं डिसहार्टन हो गई। नहीं, बी अ स्ट्रॉन्ग पेरेंट, गो टॉक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द फीडबैक, उन्हें भी बोलिए वो भी काम करेंगे ना आप भी काम करिए। तो उससे क्या होगा, आप एक टीम है, स्कूल टीचर एंड आप एक टीम है, स्कूल का स्टाफ और आप एक टीम है, आपको एक टीम की तरह काम करना है। तो फीडबैक के लिए ओपन रहिए, क्योंकि आपका बच्चा जो है, आपके बच्चे की लाइफ जो है वो आपका प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट पे काम ऐसे ही करते हैं टीम वर्क के साथ, आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते चीज़ें, तो आपको हेल्प चाहिए। वरना हम सब बच्चों को घर पर पढ़ा लेते, सर्टिफिकेट्स जो हैं बच्चों को दे देते कि हाँ हमारे बच्चे जो हैं पढ़े हुए हैं। अकेडमिकली नहीं, इंस्टीट्यूशंस बने ही इसीलिए कि आपको जाना पड़ेगा, आपको उनको उनसे बात करनी पड़ेगी। स्कूल में एडमिशन से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए, वो ये कि पहले अपने बच्चों को बहुत बेसिक वाले कमांड्स सिखा दीजिए, जैसे आओ, जाओ, कम, गो, एंड ईट, सिट, लुक एट मी हो गया, मेरी तरफ देखो, ताकि ये जो कमांड्स हैं ये छोटे छोटे कॉमन कमांड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं स्कूल के अंदर। तो ये कमांड्स अगर आपके बच्चे को आ जाएंगे तो उसे रिलेट करने में आसानी होगी कि ओके ये चीज़ मुझे पता है, तो मेरे लिए ऑल ऑफ अ सडन नया कुछ नहीं हुआ, जो मुझे बोला जा रहा है वो मुझे पता है। तो बेसिक कमांड्स पे काम करिए, एक महीना सिर्फ यही टारगेट लीजिए कि आपको चार कमांड्स तो सिखाने ही हैं, कम, गो, सिट, ईट, ये चार कमांड्स आने चाहिए बच्चे को। ये चार कमांड्स अगर आप सिखा रहे हैं एक महीने का टारगेट लेके, बहुत इजीली सिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल स्कूल में उतने चैलेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि शैडो टीचर होगी, बट अगर आपको मेन स्ट्रीम स्कूल में ही भेजना है तो ये चार कमांड्स पे ज़रूर काम करिए। चीज़ आपको और करनी होगी वो ये कि आपको टीचर से जो है एक स्केड्यूल मांगना होगा कि क्लास में वो क्या क्या चीज़ें करवाएंगे। ज़्यादातर स्कूल्स में एक हफ्ता पहले जो है चीज़ें शेयर कर ली जाती है कि इस वीक ये वाला करिकुलम फॉलो होगा। कोशिश करिए कि एक शाम पहले या एक दिन पहले जो नेक्स्ट डे क्लास में होने वाला है वो चीज़ आप बच्चे को घर पर करवाएं, ताकि बच्चे के लिए रिलेट करना आसान हो, बच्चा अटेंड कर पाए, फोकस कर पाए कि जो चीज़ मैंने कल करी थी मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आज वो फ्रेश हो रही है।
जनरली चाहे ऑटिज्म है चाहे नहीं भी है, अगर आप एक टिपिकल बच्चे के पेरेंट भी हैं, ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत आसान होता है नेक्स्ट डे चीज़ों को ग्रैस्प करना। इनफैक्ट बच्चा बहुत अच्छा कर पाता है। तो एक दिन पहले वेल इन एडवांस आप बच्चे को वो चीज़ें एकेडमिक्स की ज़रूर करवाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं मेरा बच्चा स्कूल में है और स्कूल से जब वो आता है तब वो मुझे बताता नहीं है कि स्कूल में क्या हुआ, क्या खाया, क्या किया। तो देखिए, आपके बच्चों के पास वर्बल एक्सप्रेशन नहीं है, उन्हें चीज़ें तो सारी पता है, उन्हें याद है स्कूल में क्या हुआ है, बट वो आपको बता नहीं पाएंगे। तो अननेसेसरी इस चीज़ के लिए इतना ग्रीफ करना या इस चीज़ के बिल्कुल पीछे पड़ जाना कि मेरा बच्चा बताता नहीं, तो अननेसेसरी इस चीज़ के ऊपर अपने आप को प्रेशराइज़ करना या अपने आप को डीमोटिवेट करना कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या हुआ हमें नहीं बताता, उसके पीछे मत आप इतना परेशान होइए, क्योंकि उसको टाइम लगेगा इस चीज़ में आने में। बिकॉज अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है, बच्चे की लैंग्वेज प्रोसेसिंग धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। अभी तक उसने सिर्फ आपकी भाषा सुनी है, अब वो स्कूल में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मॉड्यूलेशन सुन रहा है, वॉइस के डिफरेंट वर्ड्स सुन रहा है, बच्चों से सुन रहा है, टीचर से सुन रहा है, नए एनवायरनमेंट में है, तो वो चीज़ आने में टाइम लगेगा। तो उस चीज़ के पीछे अपने आप को और अपने बच्चे को पुश मत करिए, वो चीज़ ग्रेजुअली आ जाएगी। नहीं भी आती है तो आप इस चीज़ को लेकर पुश मत करिए। आपका टारगेट होना चाहिए आपका बच्चा सोशली फंक्शनल हो स्कूल के अंदर। राइटिंग के ऊपर, अगर आप राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं तो सबसे पहला काम होल्डिंग पे काम करिए स्कूल में एडमिशन कराने से पहले, या अगर आपने अभी स्कूल में एडमिशन करा भी दिया है होल्डिंग के ऊपर काम करिए। होल्डिंग का मतलब ये नहीं है आपने कोई चीज़ पकड़ाई है ना आपका टारगेट है कि बच्चा कुछ लिखे, नहीं, आप उसको क्रेयॉन्स दीजिए। क्रेयॉन्स जो होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, मोटे वाले क्रेयॉन्स आते हैं, थिक होते हैं, उनको पकड़ के बच्चे के लिए कलरिंग करना आसान होता है। फर्स्ट स्टेप कलरिंग होता है, फर्स्ट स्टेप आप सिर्फ कलरिंग करवाइए बच्चे को, कोई ज़रूरत नहीं है उसको राइटिंग करवाने की, पेंसिल पकड़वाने की। पेंसिल से लिखना बच्चे के लिए कॉपी के सरफेस पे हार्ड होता है, तो बच्चे के लिए लिखना मुश्किल होता है, बट सबसे पहले स्क्रिबलिंग होती है, कलरिंग होती है। आप कलर्स दीजिए, स्क्रिबल करने दीजिए। स्क्रिबल का मतलब है कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पेपर के ऊपर, वॉल के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, कहीं पर भी, लेकिन स्क्रिबलिंग करने दीजिए। स्क्रिबलिंग आप देखेंगे, आप अगर उनको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं स्क्रिबलिंग करने के लिए, उनकी होल्डिंग अपने आप ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट लेकर कर रहे होंगे। अगर आप ज़बरदस्ती उनका हाथ मोल्ड करवा के पकड़वाने की कोशिश करके लिखवाएंगे कोई चीज़, नहीं करेंगे, होल्डिंग नहीं आएगी। एक ग्रिपर आता है, ग्रिपर हेल्प करता है होल्डिंग में एंड राइटिंग में, तो आप वो ग्रिपर यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैं लगा रही हूँ। बट आप कोशिश यही करिए कि स्क्रिबलिंग से शुरू करिए, कलर्स से शुरू करिए। वाटर कलर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वाटर कलर फ्री फ्लो चलता है, वाटर कलर्स यूज़ करिए, पेज पे आराम से चलेगा वाटर कलर। कलरिंग जो है वो करवाइए, स्केच पेन नहीं, क्रेयॉन्स या वाटर कलर, ये दो चीज़ें यूज़ करिए। उसके बाद बात आती है कि पेंसिल से कैसे लिखवाना है। पेंसिल से आप लिखवाइए, लेकिन सबसे पहले कंट्रोल लाइन्स सिखवाइए बच्चे को। एक बुक आती है कंट्रोल लाइन की, मैंने खरीदी थी, मैं आपको यहाँ पे शोकेस कर रही हूँ। तो ये जो कंट्रोल लाइन की बुक होती है ना, इसमें क्या होता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो जैसे भी हमारे अल्फाबेट्स की फॉर्मेशन होती है, नंबर्स, लेटर्स की फॉर्मेशन होती है, वो कंट्रोल लाइन से सिखाई जाती है। तो जब विराज को मैंने एडमिशन करवाया था स्कूल में, तो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था सिलेबस, तो कंट्रोल लाइन जो है उससे सिखाया था। तो कंट्रोल लाइन में क्या होता है, स्टैंडिंग लाइन है कि दो डॉट्स लगा दिए, जॉइन करना है, स्लैंटिंग लाइन हो गई। तो ऐसी बहुत सारी लाइंस होती है कंट्रोल लाइन, जिससे बच्चे की हैंड मूवमेंट जो है वो होनी स्टार्ट होती है। यानी अगर राउंड करके घुमानी है कोई चीज़, तो फ्री फ्लो घूमनी चाहिए पेंसिल, इस तरह से नहीं कि बच्चा जो है वो अटक रहा है करने में। तो ये कंट्रोल लाइन वाली बुक आपको हेल्प करेगी। पहली चीज़ तो ये रीयूजेबल है कि आप इसको जो है वाइप कर सकते हैं, एंड स्केच पेन या जो टेम्प्ररी मार्कर होता है, परमानेंट मार्कर नहीं, टेम्प्ररी मार्कर जो होता है, आप उससे इस पे कर सकते हैं, ये डस्टर से आप इसको वाइप कर सकते हैं, तो रीयूजेबल है और ये कभी भी जो है ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हार्ड बोर्ड है तो फटेगी नहीं। कि कुछ बच्चों को आदत होती है वो पेपर फाड़ देते हैं, श्रेड कर देते हैं, तो ये फटेगी नहीं। तो ये मेरे को ठीक लगी थी ये बुक, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये बुक मैंने मंगवाई थी विराज को, कंट्रोल लाइन से सिखाई थी इस पे। कंट्रोल लाइन से उसको हेल्प मिली अपना हाथ फ्री फ्लो घुमाने के लिए, एंड फ्री फ्लो घुमाते घुमाते उसको ट्रेसिंग समझ आ गई। क्योंकि ये जो बुक है इसमें आप देखेंगे ट्रेसिंग से है हर चीज़, डॉट 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 ज्वाइन करनी है, तो ट्रेसिंग से ही सिखाते हैं बच्चों को। सबसे पहले अल्फाबेट, पहले ये लाइन्स सिखाते हैं, उसके बाद ट्रेसिंग से सिखाते हैं, फिर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली बोलते हैं कि आप इसको करिए। तो ये ट्रेसिंग में भी आपकी हेल्प करेगी कि बच्चे को ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि अगर कुछ लिखा हुआ है डॉट डॉट में तो मुझे पेंसिल उसी के ऊपर घुमानी है। इसके अलावा आप बच्चे की आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन पे काम करिए, बच्चे की पॉइंटिंग पे काम करिए,
पिक्चर्स ले आइए, पॉइंट करवाइए, ज़्यादा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वाली पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक ब्लैंक पेज पे एक ही आर्टिकल बना हुआ है। अगर आप बुक्स खरीद सकते हैं तो माई बिग पिक्चर बुक कर एक बुक आती है, मैंने खरीदी हुई है बहुत सारी, मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने अपने एक वीलॉग में दिखाई भी थी वो बुक्स नेविगेटिंग ऑटिज्म में, अगर आपको चाहिए वहाँ पे भी लिंक्स हैं, वहाँ देख भी सकते हैं वो बुक्स कैसी दिखती हैं। तो वो बुक्स आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप वो वाली बुक्स यूज़ करते हैं तो उन बुक्स में क्या है, एक सिंगल पेज पे एक ऑब्जेक्ट है, तो आपके बच्चे के लिए ईजी हो जाता है उस पिक्चर को कैप्चर करना। है तो वो बिग बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है और वाइट बैकग्राउंड पर वो सिर्फ एक सिंगल पिक्चर है। तो आइडेंटिफिकेशन पे काम करिए, रिकॉग्निशन पे काम करिए। ये कुछ चीज़ें करने से आप अपने बच्चे को रेडी कर लेते हैं बिफोर हैंड स्कूल के लिए। तो अगर बिफोर हैंड आप रेडी कर रहे हैं बच्चे को तो ये कुछ चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सेकेंडली, टेबल चेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप बेड पे बैठ के बच्चे को कुछ करवाते हैं या फिर आप बच्चे को खाना खिलाते हैं, बेड पे बिठा के बंद कर दीजिए प्लीज़। टेबल चेयर डिसिप्लिन लाता है। कोशिश करिए टेबल चेयर पे ही बिठा के खाना खिलाएं, कोशिश करिए टेबल चेयर पे बिठाकर ही जो है होमवर्क करवाएं या चीज़ें करवाएं, क्योंकि स्कूल में भी ऐसा ही होगा। स्कूल में जब लंच टाइम होगा बच्चा टेबल चेयर पे बैठ के ही खाएगा। और बच्चे जो जिनको ऑटिज्म होता है वो हैबिट्स बहुत जल्दी जो है ग्रास्प करते हैं, उन्हीं हैबिट्स के अकॉर्डिंग चलना पसंद करते हैं। तो कोशिश करिए प्लीज़ 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 आप टेबल चेयर पर ही बिठाकर पढ़ाई करवाएं, टेबल चेयर पर ही बिठाकर खाना खिलाएं, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आता है, सिटिंग इम्प्रूव होती है। अच्छा, जो लास्ट चीज़ है जिसके लिए बहुत परेशानी होती है वो होती है सिटिंग। स्कूल भेजने से पहले एक घंटा मॉर्निंग में उठिए, बच्चे को रेडी करिए और वॉक करवाइए। आधे घंटे की वॉक मैंडेटरी कर दीजिए स्कूल भेजने से पहले। बच्चा बहुत काम डाउन हो जाता है, डोपामाइन रिलीज होता है जब हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, होता है ये जो बॉडी है उसको काम डाउन कर देता है। तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। आप अगर अपने बच्चे को चाहते हैं कि उसकी सिटिंग अच्छी हो तो प्लीज़ उसकी एक्सेसिव एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन आउट कर उसको स्कूल भेजिए। अगर स्कूल 8:30 भेजना है तो मैं विराज को कोशिश करती हूँ 7:22 उठा दूँ, क्योंकि मुझे उसको ब्रेकफास्ट भी करवाना होता है, मुझे कोशिश होती है कि मैं उसे नहलाकर ही भेजूँ। प्लीज़ बच्चों को बिना नहलाए स्कूल मत भेजिए। मैं जानती हूँ कई बार विंटर्स में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट एक्चुअली क्या है ना, नहाने से आपकी बॉडी के सेल्स खुल जाते हैं, आपका माइंड खुल जाता है, तो नहाने से आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है ना, आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड अच्छा करती है। तो कोशिश करिए नहला के भेजिए, कोशिश करिए बच्चे को ब्रेकफास्ट ज़रूर करा के भेजिए, क्योंकि स्कूल में हो सकता है वो ना खाए एंड उसकी वजह से उसका बिहेवियर इम्पैक्ट हो, क्रैंकी हो। अच्छे से खिलाकर भेजिए, आप अपने एंड से हैवी मील कराकर भेजिए उसको स्कूल। उसके बाद स्कूल में ब्रेकफास्ट ज़रूर भेजिए साथ में लंच टाइम के लिए, लेकिन हाँ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप खिलाकर भेजिए। आप ये मत सोचिए कि स्कूल में जाकर खा लेगा, नहीं, आप खिला के भेजिए ताकि उसका बिहेवियर ना इम्पैक्ट हो वहाँ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीचर्स से कनेक्टेड रहिए। जो भी विराज की टीचर्स हैं मैं उनसे बात कॉन्स्टेंटली करती रहती हूँ, बट रेगुलर बेसिस पर भी आप फीडबैक लेते रहिए स्कूल से। अगर आप फीडबैक नहीं ले रहे हैं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। डरिए मत फीडबैक लेने से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जानेंगे कि स्कूल में क्या चीज़ हो रही है आप उतना ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाएंगे घर पे। एंड बोलिए स्कूल में जाके कि आपको ऑनेस्ट फीडबैक ही चाहिए, शुगर कोटेड फीडबैक या बिजनेस माइंडेड फीडबैक ना दें वो लोग कि हमारा एडमिशन चला जाएगा, तो इसलिए बोलिए आपको पढ़ाना यहीं पर है बट फीडबैक आपको इसलिए भी चाहिए ताकि उनके लिए आसान हो ना आपके लिए आसान हो। एंड जो भी प्रोग्रेस आपकी बच्चे की घर में चल रही है अकेडमिक्स को लेकर या जिस तरीके से वो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है अकेडमिक्स में, वो चीज़ टीचर को ज़रूर बताइए कि इस तरह से करने से जो है मेरा बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल विराज को चिन पे हाथ रखकर अगर कोई चीज़ बोलने के लिए बोलो तो वो बोल देता है, तो ये चीज़ मैंने टीचर को बताई थी एंड ये चीज़ इवेंचुअली विराज के लिए स्कूल में वर्क कर गई, क्योंकि अगर वो कुछ आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्निशन करवा के विराज को बोलते हैं कि आप ये बताओ ये क्या है और वो चिन पे हाथ रखते हैं या फिर बोलते बोलो विराज, तो विराज वो कमांड सुन के जो है कई बार रिस्पॉन्ड अच्छा करता है। तो ये चीज़ भी आपको बतानी है। आई होप मेरा ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल हो। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और भी होंगे, आई एम श्योर आपके अपने वर्क अराउंड भी होंगे, बट मेरे केस में ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं। विराज के एडमिशन कराने से पहले भी हमने ये प्रैक्टिस करा, एडमिशन के बाद भी हमने यही प्रैक्टिस करा है, हमने ग्रेजुअली चीज़ों को जो है सेटल किया है, एकदम से पुश नहीं किया विराज को, ना ही स्कूल को, ना ही अपने आप को कि हमें जो है ये टारगेट एक महीने में अचीव करना है, नहीं, हमने धीरे धीरे करके ट्रांजिशन किया है। मेरा एक वीडियो है हाउ टू चूज़ मेन स्ट्रीम और स्पेशल स्कूल,
आप वो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने एडमिशन का पूरा प्रोसेस बताया विराज का, मैंने कैसे सर्च किया था एंड क्या चीज़ें की थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट ये मेरी कुछ अपनी फाइंडिंग्स हैं, अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपसे शेयर करी हैं। आई होप ये यूजफुल रहें। तो नेक्स्ट टाइम जब तक हम मिलते हैं, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।